दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनेकता पार्टी। नगर पंचायत तलाई व आईपीएच विभाग द्वारा तलाई पंचायत व झबोला गांव की सीमा पर बनाए जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कड़ा विरोध किया जा रहा है। शनिवार को बिलासपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर झबोला गांव के लोगों ने इस मामले के बारे में जानकारी दी। स्थानीय निवासी उषा गर्ग ने बताया कि मामले को लेकर शिमला हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। बावजूद इसके राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस को साइट पर भेजकर स्थानीय लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, जिससे लोगों को जान का खतरा हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि साइट का विरोध कर रहे लोगों को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मानव हित में इस साइट को बदला जाए। नगर पंचायत तलाई और आईपीएच डिपार्टमेंट द्वारा एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है, जो कि झबोला गांव और नगर पंचायत तलाई के बॉर्डर पे बनाया जा रहा है। मैं और मेरे गांव वाले इस चुनित भूमि का विरोध करते हैं, क्योंकि इस चुनित भूमि के साथ ही हमारे घर हैं, हमारे पानी के पीने की सप्लाई स्कीम है, मेरे पिता और मेरे बड़े पापा की मलकियत भूमि है और हमारा एक बहुत प्राचीन घराट है जो कि पानी से चलता है। यह घराट हिमाचल की संस्कृति की निशानी है, जिसे हम नई पीढ़ी आगे लेकर जाना चाहती हैं, हमेशा जिंदा रखना चाहती हैं। इसी मामले में हमारा हाईकोर्ट शिमला में एक केस रिट पिटीशन दायर है, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व करके साइट पर ज़बरदस्ती भेजकर हमें डराया और धमकाया जा रहा है। मुझे और मेरे घर वालों को जान का खतरा है। अगर मुझे या मेरे घर वालों को या मेरे गांव की किसी भी औरत को जो कि साइट का विरोध कर रही है कुछ भी होता है, तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार शासन प्रशासन एसपी बिलासपुर, डीसी बिलासपुर, आईपीएस डिपार्टमेंट, नगर पंचायत तलाई होंगे। मैंने एसपी बिलासपुर को रिटन कंप्लेंट फाइल करके सूचित किया था कि मुझे आशंका है कि मुझे जान का खतरा हो सकता है। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि इस साइट को चेंज किया जाए। जब हमारे पास सल्यूशन है और ये प्लांट अभी नहीं बना है, तो क्यों ना इसको मानव हित में इस साइट को चेंज किया जाए, जिससे कि ना ही ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट हो और ना ही इन्वायरमेंटल डैमेज हो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक, जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 9758059500 पर संपर्क या मैसेज करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।